मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 तलाक कानून का पहला मामला सेंधवा में दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ, यह प्रदेश का पहला प्रकरण है। इसकी डिटेल्स इस प्रकार है। 3 तलाक कानून अस्तित्व में आने के बाद प्रदेश का पहला प्रकरण सेंधवा में दर्ज किया गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। शुक्रवार को पटेल कॉलोनी निवासी आसमा पिता आशिक मंसूरी ने शिकायत दर्ज करवाई कि सेंधवा के मैकेनिक नगर निवासी माहिन पिता कलीम मंसूरी सेंधवा से उसकी फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। दोनों में प्रेम प्रसंग के बाद 14 अप्रैल 2019 को वह माता पिता को बिना बताए माहिन के साथ चली गई थी। माता पिता ने गुमशुदगी की दर्ज कराई थी, रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस कारण 15 अप्रैल को पुलिस को बयान देने के बाद वे दोनों राजपुर में पति पत्नी के रूप में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कुछ दिन बाद माहिन सेंधवा स्थित खुद के घर उसे लाया और उसने माता पिता से रुपये लाने की मांग करके उसे पीटा। 2 दिन बाद फिर राजपुर ले गया, वहां भी पीटा और बदनाम करने की धमकी दी। 24 जुलाई को मारपीट कर मां को राजपुर बुलाया, फिर बोला कि आसमा को नहीं रहना चाहता और 3 बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। शुक्रवार को पुलिस ने मुस्लिम महिलाएं विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत केस दर्ज कर लिया। सेंधवा SDOP TS बघेल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में आपसी सहमति से रह रहे जोड़ों को भी पति पत्नी की तरह माना जाए। इसे देखते हुए 3 तलाक देने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।